लड़ेंगे तब तक शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे। ये धरना विफल हो जाएगा पर हमारे जो भी साथी अभी तक रुके हैं, डटे हैं, रात में इन्होंने इतना संघर्ष किया, इतना आप लोग तो 5 बजे निकल गए, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं कि धरना कराइए, शिक्षक भर्ती के बिना हम वापस नहीं आएंगे जब तक लिखित में आदेश नहीं मिल जाता है। पर यहाँ परिणाम आपके सामने है। ये चंद लोग जो यहाँ बैठे हैं बाराबंकी से, कौशाम्बी से, जौनपुर से, फतेहपुर से, क्या इन्हीं की मांग शिक्षक भर्ती है? यदि भर्ती आएगी तो क्या केवल यही उसमें मास्टर बन जाएंगे और किसी को मास्टर बनने का हक नहीं मिलेगा? पर आप लोग से मेरी यही अपील है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। यदि आपके एक शेयर से एक आदमी आ जाएगा धरने में तो हमारे जो 25 से 30 साथी यहाँ लड़ रहे हैं उनको एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा और उनका मनोबल बढ़ेगा, जिससे आगामी दिनों में हम लोग एक अच्छी लड़ाई लड़ सके। और आप सभी से बताना चाहूँगा कि ये धरना अनवरत चलेगा, चाहे संख्या कम हो, पर अब नहीं लगता आपकी संख्या कम होगी क्योंकि आप चाहते थे आपको लड़ने वाला चाहिए। तो हमारी टीम लगातार निरंतर प्रयास कर रही है और लखनऊ के कानपुर, सीतापुर, बाराबंकी, हर जगह के साथियों से बात की जा रही है। यदि आप नहीं आएंगे तो संख्या बल बेकार है। लखनऊ की कोचिंग में हमारी एक टीम तैयार की जाएगी जिसका केवल कार्य रहेगा 4 से 5 लोगों की सदस्यीय टीम, जो हर कोचिंग संस्थान में जाके हर लोगों को बताएगी कि आप धरने में आइए। यदि आप धरने में नहीं आएंगे तो आपको शिक्षक भर्ती भूल जाइए। यदि अलग अलग 75 जिले से लोग यहाँ खड़े हो सकते हैं, अलग अलग जिले के लोग यहाँ लड़ाई कर सकते हैं, तो आप लखनऊ के होके लखनऊ में क्यों नहीं दिख रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है कि आपको संदेश भेजने पड़ रहे हैं, आपके लिए हम लोग को चिल्लाना पड़ रहा है, आपका जमीर नहीं जग रहा है? आपको आना पड़ेगा और हर एक माध्यम से, चाहे वह यूट्यूब हो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो, उनका सहयोग मिल रहा है। और जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपकी कोचिंग है तो हम जैसे बेरोजगारों की वजह से भी है। सभी टेट सीटेट पास हैं, यदि आप नहीं आएंगे तो ये धरना करने से कोई औचित्य नहीं, ये धरना ऐसा ही चलता रहेगा। पर जो भी साथी लखनऊ के हैं, लखनऊ की बहनें, से मेरी पूरी टीम हाथ जोड़ के निवेदन करेगी, आपसे हाथ करती है कि आप लोग घर से निकलिए। यदि आप नहीं आएंगे तो ये कौशाम्बी से बैठे हैं भाई, कब तक यहाँ लड़ेंगे? आपको निकलना पड़ेगा। लखनऊ में चेक किया गया है 2500 कोचिंग है, बड़ी बड़ी, और वैसे तो छोटे संस्थान 100-200 होंगे, सबके पास स्ट्रेंथ है। हाँ, लोग कहते हैं सुपर टेट के लिए बैच नहीं चल रहे हैं क्योंकि भर्ती का कुछ पता नहीं है, पर सुपर टेट के लिए यदि भर्ती चाहिए तो आपको जमीन में आना पड़ेगा। डीजी साहब ने साफ साफ बोल दिया है, भर्ती भूल जाओ, यदि संघर्ष करना हो तो आ जाओ, यदि संघर्ष नहीं करोगे तो भर्ती हो जाएंगे हम सभी लोग एक उम्र तक। कब तक लड़ेंगे? कब तक हमारा शरीर यहाँ पे धरने में बैठा लेगा हमें? कब तक ये 25 से 35 लोग अपनी बात को पहुँचाएंगे? भर्ती चाहिए सभी को, 51,000, 97,000, 1.5 लाख, जितने पद खाली हैं उसका 1% लोग यहाँ दिखिए। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी साथियों तक पहुँचाइएगा। यदि आप अपने ज़िले से सक्रिय हैं, अपनी टीम तैयार कीजिए, हम लोगों से संपर्क कीजिए, हमारी टीम से किसी भी भाई से आप संपर्क कीजिए और लखनऊ में टुकड़ी के अनुसार आइए। इको गार्डन में धरना या अनवरत चलता रहेगा। यदि आप कानपुर से हैं, 20 साथी हैं, 25 साथी हैं, आप आइए 20 लोगों को लेकर, 2 दिन रुकिए, चले जाइए, 2 दिन फिर आइए, रायबरेली की टीम है, आप आइए लड़िए, पर घर से निकलना पड़ेगा। यदि सोचो बिना घर से निकले हमको शिक्षक भर्ती मिल जाएगी तो ये आपका भ्रम है और ये भ्रम टूट जाएगा। कब तक ये 25 लोग लड़ेंगे आपके लिए? शिक्षक भर्ती सबको चाहिए, परेशान सब हैं, पीड़ित सभी हैं, कोर्स सभी ने लिया है, सबकी जिम्मेदारी है, भविष्य सबका गर्त में जा रहा है शिक्षक भर्ती के बिना। और मुझे लगता है जो शिक्षक भर्ती का वर्ग होता है वो एक ऐसा वर्ग तैयार होता है जो अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, उसमें उसको फाइट करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने डीएलएड, बीएड और बीएलएड में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो एक अलग लाइन शिक्षा विभाग के लिए बनी है। बाल विकास आप कहाँ पढ़ के बता देंगे जाके कि बाल विकास में 3 मारा है मैंने, और सुपर टेट का मैथ, चैट टेट का मैथ
भी इतना टफ नहीं आता कि आप सीजीएल एसएससी की तैयारी कर लें। तो ये वर्ग एक शिक्षक बनने के लिए तैयार हुआ है। लगातार 4.5 सालों से भर्ती नहीं आई है, तब भी आप सजग नहीं हो रहे हैं। यदि किसी संघर्षी टीम के साथ धरना रखा जाता है, आप उसमें व्हाट्सएप टेलीग्राम पर इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि लगता है कि कहीं को गार्डन ना पूरा भर जाए। आवाज कैमरा इधर उधर करिएगा भाई, संख्या देख लीजिए आप कितनी है। शाम को सभी नेता और मेरे साथी कसम खा रहे थे सीआरटी पे, भैया रुकेंगे, आप वीडियो देखिएगा, रुकेंगे हम 100 लोग रुकेंगे, 150 लोग रुकेंगे। शाम को सभी के पसीने छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं पसीने? क्योंकि लड़ना है मजबूती से लड़ो। सोशल मीडिया पे लड़ने वाले नेता घर जा चुके हैं। सोशल मीडिया पे लड़ना है तो घर बैठ के कुछ नहीं करना है, 2 GB डेटा कराइए 699 में और दिन रात फेसबुक का ज्ञान दीजिए। ये लड़का ये काफी इधर चला गया, ये लड़का ये न्यूज, उससे कुछ नहीं होगा। यदि शिक्षक भर्ती चाहिए तो मैदान में आइए। इन 10 लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको शिक्षक भर्ती दिलाएं। लखनऊ के जो भी भाई बहन आलमबाग के आसपास के हैं वो हम लोगों से संपर्क करें, आपसे जो भी मदद हो सके, भोजन की उन सबकी मदद की जा सके, और आप आइए, आपका इंटरेस्ट करिए। आपके इंटरेस्ट के बिना काम नहीं चलेगा, आपको आना ही पड़ेगा। तो साथियों, अब मैं अवनीश भैया को दूंगा कि अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, डीएलएड परिवार, बीएड परिवार के समस्त साथियों को मेरा नमस्कार। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि कल धरना प्रारंभ हुआ और धरना प्रारंभ होने के बाद वहाँ मतलब उस समय काफ़ी बड़ी संख्या थी और धीरे धीरे संख्या काफ़ी कम भी हुई और प्रेजेंट की स्थिति में हमारे पास इतने साथी हमारे साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत लोग टीआरपी कमाने के लिए नेता बनकर सोशल मीडिया पे अपने आप को वायरल करने आते हैं, वो काम कभी नहीं रहा मेरा। और आज से नहीं, जब से डीलेट परिवार में संघर्ष कर रहा हूँ, कभी इस तरीके का काम नहीं किया, कहीं फोटो अपलोड करने का काम नहीं किया हूँ। बस हमेशा संघर्ष के लिए जाना गया हूँ और ज़मीनी रूप से लड़ने का काम किया हूँ। कुछ लोग आते हैं, आज उन लोग आए तो थोड़ा उनसे हम बेहतर मुलाकात करेंगे। कारण क्या है कि जो भी प्रतिक्षु यहाँ आते हैं वो बहुत उम्मीद और अरमान लगा के आते हैं और ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि जो प्रतिक्षु यहाँ आते हैं उन्हें रुकने की व्यवस्था, उन्हें रहने की व्यवस्था, उन्हें खान पान की व्यवस्था, ये सब सारा काम जो है लखनऊ में रहने के बाद जो है हमने करने का काम किया। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी साथी यहाँ पे अपने घर से निकलना चाहते हैं वो निकलें, क्योंकि ये संख्या लगभग 10 लाख से अबव है जो लोग सीटेट और टेट पास हैं। कि अगर इसका 5% छात्र भी अगर यहाँ अवेलेबल हो जाता है।